अल्लाह रहमान रहीम रब इश्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अहसनुल क़सस बेहतरीन किस्सा जारी है। दास्तान यहाँ तक पहुँची, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद में है। उन्होंने कैदी को कहा था कि तुम रिहा हो जाओगे, जब रिहा हो जाओ तो बादशाह को बताना कि मेरे साथ क्या ज़्यादती हो रही है। वो रिहा हो गया, लेकिन उसके जहन से निकल गई बात, शैतान ने उसे बात भुला दी। वो जो शख्स रिहा हुआ बादशाह के पास ही काम करता था। एक दफ़ा बादशाह ने एक ख्वाब देखा, उसकी ताबीर पे कोई भी बादशाह को मुतमईन नहीं कर पाया। इस शख्स को अब याद आया कि अरे यूसुफ, एक जेल में एक शख्स था, उसका नाम यूसुफ था अलैहिस्सलाम, और उन्होंने मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बिल्कुल सही बताई थी। तो बादशाह से कहा कि मैं इस ख्वाब की बिल्कुल सही ताबीर बता सकता हूँ, इसलिए कि प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो शख्स यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक ताबीर बताता है ख्वाब की। बादशाह ने कहा फौरन जाओ फिर उस शख्स के पास, कैद खाने में जाओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ताबीर पूछो। अब वो शख्स कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गया, ख्वाब बताया। ख्वाब कलम नर्स किया था, मैं दोहराता नहीं हूँ कि वो ये गाय इतनी गायें, वो इतनी गायों को खा रही हैं, इतनी सूखी डालियां, हरी डालियां। अब कैद में मंजर ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस शख्स को बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने लगे हैं। ये दास्तान यूसुफ का चौथा ख्वाब है, चौथा बड़ा ख्वाब। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं। देखो बादशाह को बताना किस ख्वाब की ताबीर है कि अगले सात बरस तक तुम लोग लगातार खेती बाड़ी करोगे, अगले सात बरस लगातार खेती बाड़ी करोगे, हरा भरा सब्जा हो जाएगा सब जबरदस्त। फिर क्या होगा उन सात बरसों के बाद, जो सात बरस आएंगे उन सात बरसों के बाद उसमें क्या होगा, शदीद तरीन कहत होगा। यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशंस होंगी। अगले 14 साल का मंजरनामा बता दिया, पहले 7 साल बहुत खुशहाल, दूसरे 7 साल बहुत बदहाल। फिर उन 14 सालों के बाद एक साल आएगा जब खूब बारिश होगी और अब खेती होगी, लोग बागात में फलों से रस निचोड़ेंगे, इतना हर जगह बेहतर हालात होंगे। ख्वाब की ताबीर बता दी। अब साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या करना चाहिए, यानी सिर्फ ख्वाब नहीं बताया, ताबीर नहीं बताई, लाहे अमल भी बताया। कहा देखो बादशाह से कहना यू करो, जो पहले 7 बरसों जब खूब हल चलाओगे, जब खूब हरा भरा होगा सब, उन 7 बरसों में बस अपने खाने का, अपनी जरूरियात का गल्ला निकालना, बाकी दाने बाकी फसलें सब उसी तरह छोड़ देना। क्यों? ताकि जो उसके बाद 7 साल आने वाले कहत साली के, उसमें तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए कि कहत ऐसा वैसा कहत नहीं होगा, कहत वाले सालों में बिल्कुल भी गल्ला पैदा ही नहीं होगा। ख्वाब की ताबीर, आइंदा का लाहे अमल, सजेशन दे दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये कह दी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सबको सुन के उठा, दोबारा बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तो मुंतजर था कि कोई तो उसे इस ख्वाब की ऐसी ताबीर बताया जिससे उसका कल्ब मुतमईन हो, उसके दिल को सुकून आए कि हाँ ये इट इज मेकिंग सेंस। तो बादशाह तो कोई इंतजार कर रहा था उसका कि भाई कब आएगा वो और क्या बताएगा ख्वाब की ताबीर के बारे में। पहुंचा और उसने बादशाह को सब बताया। क्या मतलब? यानी ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब से बयान करदा ख्वाब की ताबीर बताई, बल्कि वो मशवरे भी बताए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिए थे। अब बादशाह को अपने अपने तौर पर मुतमईन करने की कोशिशें तो बहुत लोग कर चुके थे, जाहिर है कौन नहीं चाहेगा बादशाह की खुशनुदी हासिल करना। सबके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी बादशाह के करीब आने की, तो सब अपने अपने तौर पर बता रहे थे कि ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन ये जो बादशाह को बताया गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर बताई है बजरिया कैदी, बादशाह ने महसूस किया कि उसका दिल हैरत अंगेज तौर पर ख्वाब की ताबीर पर मुतमईन हो गया कि ये बात ठीक लग रही है, ये बात ठीक लग रही है। तो मुतमईन तो हो गया बादशाह, लेकिन साथ ही बादशाह के जहन में एक और ख्याल भी आया, यानी ख्वाब की ताबीर से तो उसका दिल मुतमईन हुआ कि ये ताबीर सही लग रही है, अगले ही में उसका दिल मुस्तरब हो गया। क्यों? इसलिए कि बादशाह को लग रहा है कि ख्वाब सच्चा बताया, तो ये सुकून आ गया कि चलो ख्वाब की ताबीर पता लगी। परेशानी क्या? परेशानी है कि इसका मतलब ये कि 7 साल बाद कहत आने वाला है, इसका मतलब ये कि मुझे बहुत बड़े लेवल पे मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये कि मुझे सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना कहत में तो लोग भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। अगर 7 सालों तक जमीन पर बारिश ही ना हुई, नदी नाले कुएं सब खुश हो जाएंगे, भाई इंसान क्या जानवर चौपाए सब जो है वो सबका हाल खराब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इंसान मतलब एक यानी इतना बड़ा निजाम चलाएगा कौन? 14 सालों की पूरी मंसूबाबंदी करनी थी,
और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था, एक मुश्किल काम था। बादशाह के जहन में एक बात आई जिस पर बादशाह ने अमल दरामद करने का कहा, वो क्या? उसके दिल में बात आई कि जिस ख्वाब की ताबीर मिस्र में कोई और नहीं बता सका और इस शख्स ने बता दी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इस बारे में बहुत अच्छा है, वो पहले भी दो ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल परफेक्ट बता चुके हैं, तो इसका मतलब ये कोई आम इंसान नहीं है, तो क्यों ना एक काम किया जाए। और ये बड़ी लॉजिकल बात की बादशाह ने अपने तौर पर कि इसका मतलब ये कोई आम इंसान नहीं है। बादशाह की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि मुल्क को किस तरह चलाना है। उसने कहा फिर यही जो शख्स है ना, यही जो कैदी है ना, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, यही फिर मेरे मुल्क को, मिस्र को कहत से भी यही बचा सकता है। इसी के हवाले करो सारी जिम्मेदारियां। कुछ सोचा बादशाह ने, दिल में यह ख्याल आया, दिल में ख्याल आना था कि उसने कैदी से कहा बादशाह ने, भाई यकीनन जिसने तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताई है ये एक अजीम इंसान है, यकीनन ये एक सच्चा इंसान है, मैं महसूस करता हूं कि मुझे इसकी जरूरत है, तुम वापस जाओ कैद में, उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ, उसे मेरे पास ला। ठीक है बादशाह सलामत, हुक्म की तामील होगी। गया दोबारा कैद खाने पहुंचा, अब क्यों आया है? पहले तो ख्वाब की ताबीर चाहिए थी, बता दिया, अब क्यों आया है? दोबारा जेल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह को यकीन था कि अब तो कुछ देर की बात है और यूसुफ मेरे सामने होंगे। भाई दो बड़ी जबरदस्त बातें थी ना, एक ये कि कैद से रिहाई मिल रही है, इससे इस मैंने और क्या चाहिए, कैद से रिहाई मिल रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम को। दूसरा ये कि बादशाह सलामत ने बुलाया है, इंसान को आम हालात में भी कोई बड़ा आदमी बुला ले, कहते भाई फौरन चलो। तो बादशाह को यकीन था कि बस अभी मेरा पैगाम जाएगा और ये शख्स यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी से निहाल होकर आएगा मेरे पास, दरबार में आ जाएगा। बादशाह का मसाहिब खास बनना कोई मामूली बात तो नहीं है, दुनिया तरसती है। हुआ क्या? ये अल्लाह के नबी थे, वो बादशाह जानता नहीं था ये वो शख्स है यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसने बाकायदा अल्लाह ताला से दुआ की कि ये जो माहौल है इस माहौल के बदले मुझे कैद पसंद है। इसने तो दुआ में कैद मांगी थी, ये कोई रिहाई के लिए उस तरह कोई तड़प नहीं रहे थे। बहरहाल वो शख्स पहुंचा और उसने ये सारे का सारा माजरा बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। क्या हुआ? वैसे ही हुआ जैसे उसने सोचा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह चलो, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मामला उलट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी रिहाई के मामले को छोड़ो। अरे रिहाई के मामले को छोड़ो, आप इतने सालों से कैद में हैं, आप बेगुनाह कैद हैं, आपकी कोई गलती नहीं और आप कैद में, बादशाह वक्त आपको बुला रहा है, ना सिर्फ ये कि आपको कैद से निजात दिला रहा है बल्कि आप बादशाह के खास आदमी बन जाएंगे, मैं आपके पास ये पैगाम लेकर आया हूं, आप कह रहे छोड़ो मेरी रिहाई के मामले को, क्यों आपको कोई परेशानी नहीं है? कहा मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तुम बादशाह के पास वापस जाओ, जाओ। नहीं बादशाह ने आपको तलब किया है, कोई सूरत बताइए कि आपको ले जाए बादशाह के पास। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम जरा पहले जाओ बादशाह के पास, अभी मैं नहीं आऊंगा, तुम पहले बादशाह के पास जाओ, बादशाह से कहो कि जो इल्जामात उसने मुझ पर लगाए थे, जिन इल्जामात की वजह से, बेबुनियाद इल्जामात की वजह से मैं जेल में हूं, उन इल्जामात की जरा पहले तहकीकात करा ले कि वो कितने सच्चे हैं, जरा चेक कर ले, ये सब करके मेरे पास आना, उसे पहले बताना, जाओ। हैरान परेशान, अरे यानी इस शख्स के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए वो एक कैदी है, सोच रहा है रिहाई से ज्यादा अहम मामला यह कि लोगों के सामने वजाहत हो जाए कि गलती पर कौन था, मैं था या वो जुलैखा थी या बाकी औरतें। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम लिया, बादशाह के दरबार में दोबारा पहुंच गया। अब बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ही मरूम हो गया, कि उसको लगता था कि ये तो दौड़े दौड़े आएंगे, उसने सोचा ये कौन शख्स है जिसको जेल की रिहाई से ज्यादा अपनी पाकीज़गी अहम है, इसने मेरा पैगाम मिलने के बावजूद मेरे दरबार में आने से इनकार कर दिया है। अब बादशाह ने मामले पर तहकीक का हुक्म दिया कि हाँ ये ठीक है, अब जरा मालूम कराओ कि ये माजरा हुआ क्या था, ये शख्स कैद में गया क्यों था, फिर क्या हुआ? बादशाह वक्त ने
मैं आजकल के अल्फाज में हूँ, साफ शफाव तहकीकात का ऐलान कर दिया। ख्वातीन को भरे दरबार में पेश किया गया। अल किस्सा मुख्तसर क्या हुआ, बादशाह ने उन ख्वातीन से पूछा सच सच बताओ असल बात क्या है और जो इल्जामात यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाए गए हैं वो कहां तक सच्चे हैं। किस्सा मुख्तसर, औरतों ने यक जबान होकर कहा हमने कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम में कभी कोई बुराई नहीं देखी। फिर बादशाह ने जुलैखा से पूछा, वो कहने लगी मैं भरे दरबार में गवाही देती हूँ मैंने यूसुफ में आज तक कोई ऐब नहीं देखा। उसकी नजर भी पाक है, उनके ख्यालात भी पाक है, उनकी गुफ्तगु भी पाक है, उनका अमल भी पाक है। मैं हूं जिसको शैतान ने बहका दिया था लेकिन यूसुफ के खुदा ने उसको महफूज रखा। बड़े दरबार में उस कैदी की जिनका नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम गवाही दे रहे हैं फरीके मुखालिफ। अब बादशाह की हैरानी में और इजाफा, ये कौन शख्स है, कभी मेरा साकी बताता है कि ये सच्चे ख्वाब बता रहा है, कभी जुलैखा बताती है कि इसके किरदार पे कोई शक नहीं है, कभी मिस्र की औरतें बताती हैं कि इसके किरदार पे कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं जेल से रिहा करो, ये कहता है पहले इल्जामात से बरी। और हैरान, और दरबार का क्या माहौल है, दरबार में हर तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत की पाकीजगी की बातें होने लगी। अब बादशाह ने सरदार से कहा जाओ, अब बादशाह ने कहा देखो अब तहकीकात हो गई है, अब मुझे अंदाजा हो गया है कि गलती पर वो नहीं है, अब जाओ अब उनसे दरखास्त करो कि बादशाह आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, आप दरबार में तशरीफ ले आए। ये शख्स पहुंचा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, पहुंचा कैद में पहुंचा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि दरबार में माजरा क्या हुआ है, उनको बताया कि बोहतान और तमाम झूठे इल्जामात से आपको बरी कर दिया गया है, खुशखबरी दी, बताया कि किस बेताबी से बादशाह सलामत और दरबारी आपके मुंतजिर हैं, आइए बादशाह चाहता है आप उनसे बात कीजिए, न सिर्फ ये बादशाह तो कुछ और भी चाहता है, क्या आप मुमलिकत का नज़्मो नस्ब संभालें, आप जरा इन चीजों से निजात दिलाएं। अब जो इस कैदी ने यह दरखास्त की यूसुफ अलैहिस्सलाम से और यह बताया है कि आप कह रहे थे तहकीकात कराएं, तहकीकात हो गई है, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या रद्द अमल दिया, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।